हेलो। हाँ जी सर, तो सर वेलकम। क्या आ रहे हैं आप? हाँ जी साहब, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आपको बोर्ड नजर आ रहा है सर? सर, बोर्ड नजर आ रहा है जी। चलो अब हम बातचीत को शुरू करें हम अपनी को। थैंक बिल्कुल सर, प्लीज कंटिन्यू। यू सो मच आप सबका, और जितने भी लोग यूट्यूब पर हैं या जूम पर हैं, क्योंकि जूम तो स्टार्ट होते सारे फुल हो चुका है हमारा 1,000 लोगों का। और अपनी टीम को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप यूट्यूब पर लेकर जाएं, क्योंकि आज का जो सेशन है आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए क्या कंपनी ने नया स्टेप लिया है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, और क्या सिस्टम कंपनी करने जा रही है, चीजें करने जा रही है, और कैसे ये पूरा सिस्टम पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे हम लोग। अगर बोर्ड नजर आ रहा है, हेलो। हाँ जी सर, बिल्कुल बोर्ड नजर आ रहा है जी। नजर आ रहे हैं, चलो थैंक यू सो मच। तो आज का जो सेशन है वो है, सबसे पहले तो आप सब लोगों को आज का जो दिन है लोहड़ी का, उस सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब एचएचआई फैमिली को जो पूरे हिंदुस्तान से इस मीटिंग को देख रही हैं, और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बोल दीजिए कि यूट्यूब पर आ जाएं, यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब को अटेंड करें, क्योंकि ये मीटिंग आज इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स हैं। क्या कंपनी करने वाली है, क्या जो कंपनी नया प्लान करने वाली है, या क्या नई अपडेशन करने वाली है, क्या उसके अंदर हमारा लॉसेस तो नहीं है, क्या अपर लेवल का लॉसेस तो नहीं है, क्या डाउन लेवल का लॉसेस तो नहीं है, क्या मिडिल क्लास का लॉसेस तो नहीं है? तो काफी दिनों से, जब से ये गाइडलाइन आई है, तब से ही हम लोग चर्चा में थे, और तब से ही हम लोग लगे हुए थे कि कौन सा प्लान जो है हमारे लोगों के लिए सेफ्टी होगा, कौन सा ऐसा डिस्कस हम लोग करें कि जो गाइडलाइन के अंदर हमें कहीं भी प्रॉब्लम ना आए, हमारे लोगों को प्रॉब्लम ना आए। तो उसके अंदर हम लोग सब लोगों ने, पहले 7 लोगों ने मीटिंग करी मेन सीनियर्स ने, उसके बाद हमने क्राउन एम्बेसडर के साथ बातचीत करी, और फिर हमने कंपनी के टॉप 40 लोगों से मीटिंग करी, उसमें कुछ लोग नहीं आ पाए थे, और फिर कल फाइनलाइज डिसाइड हुआ परसों की ये, तो वो सारी चीजें आज फाइनलाइज हो गई हैं, और मैं आपके साथ करने वाला हूँ वो सारी सारी चीजें, क्या और कैसे ये बिजनेस अब आगे जाएगा, और कैसे सिस्टम को हम आगे लेके जाएंगे, चीजों को आगे लेकर जाएंगे, सिस्टम कैसे आगे रन करेगा, क्या क्या इसके अंदर अपडेशन हुई है, कैसे कैसे ये बिजनेस काम करेगा। तो आज सारी की सारी जो चर्चा है वो बिजनेस प्लान के ऊपर है। आप लोगों का मैं वन बाय वन करके पॉइंट सारे क्लियर करता चला जाऊंगा कि वन बाय वन पॉइंट करके क्या है। तो बस मैं आपको एक ही चीज बोल दूं कि हैप्पी हेल्थ इंडिया हमेशा लोगों के बारे में सोचती आई है, और हमेशा लोगों के बारे में सोचती रहेगी, चाहे वो ग्राउंड लेवल हो, चाहे वो अपर लेवल हो, चाहे हमारा मिडिल लेवल हो, हर आदमी को बेनिफिट्स मिलना चाहिए, हर आदमी के हित में ये बिजनेस प्लान होना चाहिए, उसके ऊपर ही कंपनी ने ड्राइंग करके ये सारी चीजें फाइनलाइज करी हैं। और आज मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करता हूं कि अब क्या है। अब जैसे ही आप बिजनेस के अंदर ज्वाइन करते हैं, आपको पता है रजिस्ट्रेशन हम सब लोगों का फ्री में होता है, रजिस्ट्रेशन के कोई भी पैसे आपको दिए नहीं जाते, रजिस्ट्रेशन आपने बिल्कुल फ्री में करना है। आप पहले लोगों के पास हम जाते थे तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते थे, कौन सा इसके प्रोडक्ट, तो अब बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। यस, आप ओपन चॉइस के प्रोडक्ट लेकर बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जाने की कंपनी कहती है आपने आज रजिस्ट्रेशन कर लिया। हमारे यहाँ पर आज 750 प्रोडक्ट, सबसे पहले क्या है, हमारे यहाँ पे 750 प्रोडक्ट हैं, यानी कि प्रोडक्ट रेंज इतनी बड़ी है कि हिंदुस्तान के किसी भी आदमी के पास जब हम जाते हैं तो उसको इजिली हम अपने प्रोडक्टों की तरफ मोटिवेट कर सकते हैं, इजिली हम अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट है। 750 प्रोडक्ट हैं, और 750 प्रोडक्ट में कंपनी कहती है आप कोई भी कंपनी का 800 PV या 1500 PV या 3000 PV या 6000 PV, इस बात को ध्यान से सुनना, या तो 800 PV या 1500 PV या 3000 PV या 6000 PV। सबसे पहले जब आप बिजनेस के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आप अपनी मर्जी से 800 PV का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो कंपनी कहती है आप हमारे यहां से 1 लाख रुपया मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं वीकली का। 1 लाख रुपए का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा वीकली का, अगर आप अपनी आईडी को 1500 बीवी के साथ टॉपअप कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं,
तो आप 2 लाख रुपए सॉरी 1.5 लाख रुपया पर वीक का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट अगर आप अपनी एंट्री को 1500 BV के साथ अपग्रेड कर लेते हैं तो 1.5 लाख रुपए का आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं पर वीक का। अगर आप अपनी एंट्री को 3000 के साथ अपडेट कर लेते हैं तो आप हमारे यहां से मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो 2,11,000 का ले सकते हैं। अब मैक्सिमम बेनिफिट जो हो जाएगा वो 2,11,000 रुपए का हो जाएगा। अगर आप 6,000 के साथ अपनी आईडी को अपडेट करते हैं तो आप हमारी एक इनकम और अपडेशन आपकी हो जाएगी। अब ध्यान से आप लोग इस बात को सुनना, 800 BV कंपनी कहती है 800 BV आप पूरी लाइफ में कभी भी कर सकते हैं, यानी कि आज 200 BV का प्रोडक्ट लिया, फिर 300 BV का लिया, फिर 400 BV का लिया, पर लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 2,11,000 रुपए की मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको 60 दिन के अंदर अंदर अपनी एंट्री को मैक्सिमम 3,000 BV से टॉप अप करना होगा। अगर आप कंपनी के सारे बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप अपनी आईडी को 60 दिन के अंदर अंदर 6,000 BV से अपग्रेड कर लेंगे। इस बात को ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हो आप 1 लाख रुपए का ही बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप अपनी एंट्री को कभी भी 800 BV के साथ टॉप अप कर सकते हो, चाहे 1 महीने में, चाहे 2 महीने में, चाहे 3 महीने में, जहां जब आपका दिल करे आप तब अपनी एंट्री को, आज आपने 100 BV का प्रोडक्ट लिया उसके बाद आप 6 महीने बाद भी अपनी एंट्री को 700 BV का प्रोडक्ट लोगे तो मैक्सिमम बेनिफिट 1 लाख रुपए का ही आपको मिलेगा। भले फिर उसके बाद आप 1500 BV कर लो या 3000 BV कर लो या 6000 BV कर लो, कभी भी आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। पर लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपको जो बेनिफिट्स हैं वो कंपनी के मैक्सिमम बेनिफिट लेने हैं तो आप अपनी एंट्री को 60 दिन के अंदर अंदर 6000 BV से टॉप अप कर लेंगे। अगर आप वो 6000 BV वाला नहीं लेना चाहते तो आप 60 दिन के अंदर अंदर अपनी एंट्री को 3000 BV से टॉप अप कर लेंगे। अगर आप ये कहते हो कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 लाख का ही बेनिफिट लेना चाहता हूं, तो पूरी जिंदगी में कभी भी आप किसी भी प्रोडक्ट को लेकर एंट्री अपनी ग्रीन कर सकते हैं और 800 BV जब आपकी मर्जी हो तब आप ले सकते हैं, पर लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट फिर 1 लाख रुपए का ही मिलेगा, इससे ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट, आप जैसे ही ये बेनिफिट आप लेते हो और आप चलते हो अब बिजनेस प्लान की तरफ। बिजनेस प्लान से पहले कंपनी क्या कहती है, आज बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आता था, क्या सर जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो क्या हमें 2500 रुपए के ऊपर 400 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा? तो हम लोग बोलते थे नहीं, फर्स्ट परचेजिंग जब तक आपकी 800 BV की नहीं हो जाती आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब पर कंपनी ने डिसीजन लिया है, चाहे नया आदमी हो चाहे पुराना आदमी हो, चाहे आदमी रिपर्चेज करे और चाहे कोई न्यू पर्सन जुड़े, कोई भी पर्सन पूरे महीने में अगर 2500 रुपए DP का प्रोडक्ट परचेज करता है, 2500 रुपए DP का प्रोडक्ट अगर वो परचेज करता है, इस बात को ध्यान से, चाहे कोई नया पर्सन हो चाहे कोई पुराना डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, कोई भी आदमी 2500 रुपए DP का प्रोडक्ट परचेज करता है, एक के बाद ये प्लान जो है अपग्रेड हो जाएगा और आपको 300 रुपए का प्रोडक्ट वैलेट फ्री में मिल जाएगा। 300 रुपए का आपको प्रोडक्ट कंपनी का फ्री में मिल जाएगा, जिसमें आप वैलेट कोई भी प्रोडक्ट जा कंपनी की FMCG किट या कंपनी की होम केयर की किट्स जो बनी हुई है वो ले सकते हैं। यहाँ पर्सन भी जुड़ेगा तो उसे 300 रुपए का बेनिफिट 2500 रुपए पर मिलेगा। दूसरे नंबर पे अगर वही 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक हर महीने एक 4 महीने 1000 रुपए का DP का वॉलेट जो से मिल रहा था वो उसी प्रकार कंटिन्यू रहेगा, यानी कि नए डिस्ट्रीब्यूटर को भी
अब फर्स्ट परचेज पर भी 2500 रुपए के ऊपर 300 रुपए का बेनिफिट मिलेगा, 300 रुपए का प्रोडक्ट उसको फ्री में मिलेगा। अब ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर है या न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, जब जब भी फरवरी के बाद जैसे ही ये प्लान अपग्रेड हो जाएगा, 1000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो 300 रुपए का प्रोडक्ट उनको फ्री में मिलेगा। अब आते हैं बिजनेस के अंदर, जब हम दूसरे लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, जब हम डायरेक्ट सेलर के पास जाते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो आप बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। आप जैसे पहले आप ज्वाइनिंग लगाते थे किसी बंदे को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो वहां पर आप लेफ्ट में ज्वाइन करा सकते हैं या राइट में ज्वाइन करा सकते हैं, पर लेकिन अब जो वहां पर ऑप्शन आएगी ORG 1 और ORG 2। ORG 1 और ORG 2 क्या है? Organization 1 और Organization 2। यानी कि आप Organization 1 में भी कितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं और Organization 2 में भी कितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं। अनलिमिटेड लोगों को आप डायरेक्ट ज्वाइन करा सकते हैं। जैसे ही आपकी Organization 1 है, आपके पास तीसरा पर्सन कोई आया तो कंप्यूटर पूछेगा आपसे आप इसे ORG 1 में रखना चाहते हैं या ORG 2 में रखना चाहते हैं। आपने सेलेक्ट कर लिया ORG 1 में, तो ये तीसरा पर्सन आपका ORG 1 में ज्वाइन डायरेक्ट हो जाएगा, आपकी तीसरी फ्रंट लाइन ओपन हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आपके पास चौथा डायरेक्ट पर्सन आता है, उसे भी आप चाहते हैं मैं ORG 1 में रखना चाहता हूं, तो वो भी पर्सन ORG 1 में ज्वाइन हो जाएगा। इसी प्रकार आपके पास पांचवा पर्सन आता है, आप बोलते हैं ORG 2 में रखना चाहता हूं, तो भी आपका ORG 2 में पर्सन ज्वाइन हो जाएगा। छठा पर्सन आता है, आप बोलते हैं तो भी मैं ORG 2 में रखना चाहता हूं, तो वो भी ORG 2 में आ जाएगा। अब आपकी छफ्ट में हो गई, तीन ऑर्गेनाइजेशन आपकी राइट में हो गई, आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर में 6 फ्रंट लाइन खुल गई, यानी कि 3 ऑर्गेनाइजेशन 1 में और 3 ऑर्गेनाइजेशन 2 में। लेकिन इन तीनों का बिजनेस और इन तीनों का बिजनेस मैच होगा ऑर्गेनाइजेशन 2 में। अब कंपनी कहती है आप ऑर्गेनाइजेशन 1 में चाहे 10 स्पॉन्सर कर लो और ऑर्गेनाइजेशन 2 में चाहे 20 स्पॉन्सर कर लो, पर लेकिन बिजनेस ORG 1 का मैच होगा और ORG 2 का मैच होगा। मान के चलते हैं मेरे ORG 1 में 10 स्पॉन्सर हैं, तो मेरे ORG 1 में 10 डायरेक्ट लेग हो गई। मेरे ORG 2 में 15 डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं, तो मेरी 15 फ्रंट लेग ORG 2 में हो गई। दोनों की तरह देखूंगा तो 25 फ्रंट लेग हो गई मेरी अलग अलग, पर लेकिन इनका बिजनेस ORG 1 में और ORG 2 में मैच होगा। अब जब ये बिजनेस मैच होगा तो हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे? कंपनी कहती है अब बड़ा सिंपल सा बेनिफिट आपको सबसे पहले मिलेगा कि आपका कोई भी पर्सन, चाहे वो न्यू पर्सन हो, इन लोगों ने बिजनेस करना शुरू किया, ORG 1 में बिजनेस आना शुरू हुआ, ORG 2 में भी बिजनेस आना शुरू हुआ, कोई भी पर्सन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करे, न्यू डायरेक्ट सेलर को ज्वाइन करे, या दोबारा पुराना बिजनेस वॉल्यूम परचेज करे, यानी कि दोबारा रीपरचेज करे, तब आपको ये बिजनेस ORG 1 में काउंट होगा, ORG 2 में काउंट होगा। यानी कि अब बिजनेस वॉल्यूम काउंट होगा आपका ORG 1 और ORG 2। मान लेते हैं सिर्फ 100 रुपए का ही बिजनेस हुआ ORG 1 में और 100 रुपए का बिजनेस हुआ ORG 2 में, तो कंपनी कहती है इन दोनों का बिजनेस मैच हो जाएगा और आपकी आईडी पे 12% की मैचिंग हो जाएगी। 12% की मैचिंग होगी, 100 रुपए का बिजनेस भी मैच हुआ या 1 रुपए का भी बिजनेस मैच हुआ या 10,000 रुपए का भी बिजनेस मैच हुआ या 10 लाख का भी बिजनेस मैच हुआ, तो कंपनी कहती है उसके ऊपर आपको 12% की मैचिंग मिलेगी। अगर 1000 का बिजनेस वॉल्यूम ORG 1 में और 1000 का बिजनेस वॉल्यूम ORG 2 में आ गया तो 120 रुपए का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर यही बिजनेस 10,000 रुपए का बिजनेस ORG 1 में आ गया और 10,000 रुपए का बिजनेस ORG 2 में आ गया तो आपको 1200 रुपए की इनकम मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर 1 लाख का बिजनेस ORG 1 में आ गया और 1 लाख का बिजनेस ORG 2 में आ गया
तो आपको 12,000 रुपए की इनकम मिल जाएगी। अगर 10-10 लाख रुपए का बिजनेस आ गया तो आपको 1,20,000 रुपए मिल जाएंगे। ध्यान से सुनना, ये नया डायरेक्ट सेलर हो या पुराने लोग हो, अब बिजनेस मैच होगा बिजनेस वॉल्यूम का, चाहे ओल्ड बिजनेस हो और चाहे न्यू बिजनेस हो। अगर आपका जितना भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वन और ऑर्गेनाइजेशन टू में बिजनेस मैच होता है, उसका 12% आपको पहली इनकम दी जाती है, जिसकी मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो 2,11,000 रुपए, जिसका पर वीक का मैक्सिमम बेनिफिट है वो 2,11,000 रुपए है। यानी कि बिजनेस वॉल्यूम भी आपका वीकली मैच होगा और 2,11,000 रुपए आप मैक्सिमम बेनिफिट पर वीक का ले सकते हैं। ये है हमारी पहली इनकम, जिसको हम 12% की मैचिंग इनकम बोलते हैं। अब ये बिजनेस वीकली के हिसाब से काउंट होगा। कंपनी कहती है आपकी ओआरजी वन और ओआरजी टू, कंपनी बोलती है पूरे हफ्ते में मंडे टू मंडे क्लोजिंग जैसे पहले होती थी, अब भी मंडे टू मंडे क्लोजिंग होगी। अब इनकम नंबर दो की तरफ चलते हैं, जो आपको पर वीक मिलेगी। कंपनी कहती है ओआरजी वन में, किसी भी ओआरजी वन में आपका कोई भी डायरेक्ट सेलर, अगर टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपका ओआरजी वन में 11,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है, 11,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आपका ओआरजी वन में हो जाता है और 10,000 रुपए का बिजनेस आपका ओआरजी टू में हो जाता है, यानी कि 10,000 रुपए का बिजनेस ओआरजी वन में और 11,000 रुपए का बिजनेस ओआरजी टू में, जहां 11,000 का बिजनेस ओआरजी वन में, जहां 11,000 का बिजनेस 10,000 का बिजनेस ओआरजी वन में अगर हो जाता है, तो कंपनी कहती है सबसे पहले तो 10,000 रुपए का आपको मैचिंग इनकम 1,200 रुपया मिलेगी। 1,200 रुपया आपको 10,000 रुपए की मैचिंग मिलेगी। उसी के साथ साथ में कंपनी अपने टर्नओवर का 2% पैसा निकालेगी। कंपनी अपने टर्नओवर का 2% पैसा निकालेगी और जितने भी लोगों ने पर वीक इस बिजनेस को क्वालिफाई किया होगा उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। इस बात को फिर ध्यान से सुन लेना, ओआरजी वन में 11,000 का बिजनेस, ओआरजी टू में 10,000 रुपए का बिजनेस, 10,000 का बिजनेस मैच करेगा, 12% की मैचिंग इनकम मिलेगी 1,200 रुपया, प्लस 2% कंपनी अपने टर्नओवर का पैसा निकालेगी और इनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगी पर वीक के हिसाब से। पर वीक के हिसाब से ये बिजनेस आपको मिलेगा। अब जाते हैं हम इनकम नंबर तीन की तरफ। कंपनी अपने टर्नओवर का 10% पैसा अगले फंड के अंदर, कंपनी कहती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन वन और ऑर्गेनाइजेशन टू में जितने भी लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन वन में और या ऑर्गेनाइजेशन टू में जितने भी लोग हैं, अगर वो पर वीक 25,000 रुपए का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वन में और 25,000 का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू में निकालने में कामयाब हो जाते हैं, तो कंपनी अपने टर्नओवर का 10% पैसा निकालेगी, जिसको कंपनी ने 1 पॉइंट आपका सीपी की तरह फिक्स कर दिया है, जो आपको मिलेगा 5,000 रुपए। हेलो मेरे यारो, हेलो आप लोगों को बोल रहा हूं मैं, लोहड़ी बंपर 2022 का सुपर धमाका, बिजनेस वॉल्यूम भी 100% काउंट होगा, बिजनेस वॉल्यूम भी 100% काउंट होगा। अब आपका इस फंड के लिए सिर्फ 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन वन में
और 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन टू में 25,000 का बिजनेस के ऊपर 12% की मैचिंग, यानी कि 3,000 रुपया और 5,000 रुपया बोनस, यानी कि 8,000 रुपया धमाका पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज तक हैप्पी हेल्थ इंडिया ने जो काम कर दिया ओनली 25,000 के बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग पर आपको 8,000 रुपए का पे आउट। मेरे यारो, पुराने लोगों ने भी बिजनेस किया, नए डायरेक्ट सेलर भी आए, केवल 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम मैच हो गया पूरे हफ्ते में। मेरे यारो, आपकी 8,000 रुपए की इनकम आ गई। मेरे यारो, एक बार जोरदार तालियां बजाकर दिखा दीजिए अपने अपने वहां पर बैठ के। धमाका नंबर टू, यानी कि मेरे यारो, ये हैप्पी हेल्थ इंडिया है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हैप्पी हेल्थ इंडिया वो करेगी 2022 में जो आज तक डायरेक्ट सेलिंग की क्रांति में कभी नहीं। पहली इनकम मैंने आपको दिखा दी 2% हमारे उन भाइयों के लिए जो स्टार मेंटेन करते थे। अब कंपनी कहती है वीकली स्टार मेंटेन करो। जब आपके पास वॉल्यूम आ जाए पूरे महीने में आए तो उस हफ्ते में मैच करो। जब भी आप मैच करोगे, पर वीक मैच करोगे, अगर 25,000 नहीं भी हो पाया, 10,000 और 11,000 ही हो गया, तब भी आपको कंपनी के टर्नओवर का 2% पैसा मिलेगा। जिसने 25,000 कर लिया उसे वो पैसा नहीं मिलेगा, उसे 10% वाले पूल में से 5,000 रुपया कंपनी ने फिक्स कर दिया, ये बेनिफिट उसको मिलेगा। यानी कि अब जो सारा बिजनेस मैच होगा वो मैच होगा ऑर्गेनाइजेशन वन और ऑर्गेनाइजेशन टू। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन वन में आप 10 स्पॉन्सर डालो, ऑर्गेनाइजेशन टू में आप 10 स्पॉन्सर डालो, जितने लोगों को भी आप ऑर्गेनाइजेशन वन में या ऑर्गेनाइजेशन टू में स्पॉन्सर डालते हैं उतने लोगों का बिजनेस मैच करता चला जाएगा। अब कंपनी कहती है इनकम नंबर तीन की तरफ। इनकम नंबर तीन क्या है? कंपनी कहती है अगर आपने अपनी आईडी को 60 दिन के अंदर अंदर, अगर आपने अपनी आईडी को 60 दिन के अंदर अंदर 6,000 बीवी से अपग्रेड कर लिया, यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर अगर आपने अपनी आईडी को 6,000 बीवी से अपग्रेड कर लिया, तो कंपनी कहती है अगर पूरे हफ्ते में ऑर्गेनाइजेशन वन में 1,20,000 का बिजनेस वॉल्यूम आ गया और 1,20,000 का बिजनेस वॉल्यूम राइट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन टू में आ गया, यानी कि टोटल 1,20,000 रुपए की मैचिंग हो गई, उसका 1 पॉइंट बन जाएगा। इस बात को फिर ध्यान से सुनना, 60 दिन के अंदर अपनी आईडी को 6,000 बीवी से अपग्रेड करना है। अगर ये काम आप कर लेते हो, 1,20,000 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 1,20,000 का बिजनेस वॉल्यूम राइट में, अगर आप बिजनेस वॉल्यूम चाहे पुराने लो और चाहे नए डायरेक्ट सेलर मैच कर लेते हैं, कंपनी अपने टर्नओवर का 5% पैसा निकालेगी। पर वीक कंपनी अपने टर्नओवर का 5% पैसा निकालेगी और इसका एक पॉइंट बना देगी, और जो पॉइंट की वैल्यू बनेगी वो पॉइंट की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी इस आदमी को। अगर यही बिजनेस 2,40,000 बिजनेस वॉल्यूम एक गुस्त में ऑर्गेनाइजेशन वन में और 2,40,000 बिजनेस वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन टू में आ गया, तो कंपनी कहती है आपके पास 2 पॉइंट हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर ये बिजनेस 24 लाख का ऑर्गेनाइजेशन वन में आ गया, 24 लाख का ऑर्गेनाइजेशन टू में आ गया, तो आपके पास 10 पॉइंट हो जाएंगे। अगर यही बिजनेस आपका 2,40,000 का ऑर्गेनाइजेशन वन में आ गया और 2,40,000 का ऑर्गेनाइजेशन टू में आ गया, तो आपके पास 100 पॉइंट हो जाएंगे। मेरे यारो, यानी कि 1,20,000 के ऊपर 1 पॉइंट होगा। अगर आपने 12 लाख रुपए का बिजनेस डाल दिया ऑर्गेनाइजेशन वन में और 12 लाख का बिजनेस डाल दिया ऑर्गेनाइजेशन टू में, तो आपके पास 10 पॉइंट आ जाएंगे। इसी प्रकार 1,20,000 के मल्टीपर्पस आप कितने भी पॉइंट बना सकते हैं, पर लेकिन ये बनेंगे 1,20,000 के मल्टीपर्पस में।
ये इनकम उन लोगों को जाएगी 5% जिन्होंने अपनी एंट्री 60 दिन के अंदर अंदर 6000 बीवी से अपग्रेड की होगी। ये चार इनकम तो जाएंगी हमें वीकली वाले कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले 12% की मैचिंग, उसके बाद 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन वन में और 11,000 का बिजनेस वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन टू में, या 11,000 का बिजनेस वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन टू में और 10,000 का ऑर्गेनाइजेशन वन में। 2% कंपनी के टर्नओवर का उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप कर लेते हो तो कंपनी 10% पैसा अपने टर्नओवर का निकालेगी, जिसे कंपनी ने एक पॉइंट में फिक्स कर दिया, 5,000 रुपए से ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। कंपनी ने अपने टर्नओवर का 5% पैसा निकाला, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर 1,20,000 बिजनेस वॉल्यूम अपनी ऑर्गेनाइजेशन वन में और 1,20,000 बिजनेस वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन टू में मैच कर जाएगा, उसको कंपनी अपने टर्नओवर का 5% पैसा निकालेगी और उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ये चार इनकम है मेरे यारों कंपनी की, जिसको हम वीकली बोनस बोलते हैं। ये बोनस आपको मिलेंगे वीकली, जिसमें कंपनी ने 48% का फंड जो है वो डाला है आपका मैचिंग इनकम के अंदर, 10% का फंड डाला है कंपनी ने अपना आपका 25,000 बिजनेस वॉल्यूम, और 2% का फंड डाला है अगर 11,000 और 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम, 5% का फंड डाला है जिसको हम ब्रॉन्ज इनकम बोलते हैं। 48, 10, 58 और 2, 60 और 5, 65% पैसा कंपनी आपको अपने बिजनेस का वीकली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब आते हैं हम मंथली बिजनेस वॉल्यूम प्लान पर। मंथली में सबसे पहले आप अपनी अपलाइन के साथ बैठना, हो सकता है थोड़ा सा आपको यहां पर ऐसा लगे कि कंपनी ने थोड़ा सा फंड माइनस कर दिया, पर मेरे यारों जब आप अपनी अपलाइन के साथ बैठेंगे, इस प्लान की स्टडी करेंगे, तो पुराने प्लान से बहुत ज्यादा पे आउट आपको न्यू प्लान में मिलेगा। अब कंपनी कहती है यहां पर हमारा शुरू होता है परफॉर्मेंस बोनस, जो है 1,000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर 5%। अब ये है हमारा परफॉर्मेंस बोनस जो 1,000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर है 5%। अगर आप 10,000 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं तो आपका लेवल हो जाएगा 10%, और अगर आप 21,000 बिजनेस वॉल्यूम, जाने की 21,000 का बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं तो आपका लेवल हो जाएगा 15%, यानी कि अब जो परफॉर्मेंस बोनस है वो आपको 15% तक मिलेगा। 65% वो पैसा बट गया, 15% कंपनी ने यहां पे पैसा बांट दिया, 80% का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहां पे। अब चलते हैं हम कंपनी के अगले फंड की तरफ। कंपनी कहती है कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर मेरा ORG 1, यानी कि ORG 1, और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर मेरा ORG 2 में पूरे महीने में 60,000 का बिजनेस वॉल्यूम, पूरे महीने में 60,000 का बिजनेस वॉल्यूम मैच कर लेता है, यानी कि 60,000 के ऊपर पहली इनकम तो 12% जो मैचिंग मिलनी थी वो तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर उस बंदे ने किसी भी हफ्ते में 25-25,000 का बिजनेस वॉल्यूम मैच कर लिया तो उसे 5,000 रुपए का फिक्स फंड मिलेगा ही मिलेगा। प्लस कंपनी कहती है अगर पूरे महीने में 60-60,000 का बिजनेस वॉल्यूम आपका ऑर्गेनाइजेशन वन में और 60,000 का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू में आ गया तो कंपनी अपने टर्नओवर का 5% पैसा, कंपनी अपने टर्नओवर का 5% पैसा और निकालेगी, और इसको कार फंड का नाम दिया गया है, और 60,000 के अंदर एक पॉइंट बना देगी, 60,000 का एक पॉइंट बन जाएगा और जो वैल्यू उस महीने में पॉइंट की निकलेगी आपको मिल जाएगी। अब कंपनी कहती है अगर किसी के 1,20,000 हो गए तो उसके पास 2 पॉइंट हो जाएंगे, किसी के पास 1,80,000 हो गए तो 3 पॉइंट हो जाएंगे, अगर 2,40,000 हो गए तो 4 पॉइंट हो जाएंगे, अगर 6,00,000 हो गए तो 10 पॉइंट हो जाएंगे, और इस
फंड की मैक्सिमम जो कैपिंग है वो है 10 फंड की, 10 पॉइंट की। यानी कि अगर किसी बंदे के 60-60 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच हो जाते हैं, उसके 100 पॉइंट बनते हैं, पर लेकिन उसे पैसा मैक्सिमम 10 पॉइंट का ही मिलेगा, जिससे हमारा फंड वैल्यू कभी भी डाउन नहीं जाएगी कार फंड। मेरे यारो, ये कार फंड आप भी ले सकते हैं। केवल 60,000 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम पूरे महीने में मैच करना है और ये कार फंड आपको मिल जाना है। कंपनी टर्नओवर का 5% पैसा यहां कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और मैक्सिमम कैपिंग है इसकी 10 पॉइंट की। ऑर्गेनाइजेशन 1 में 60,000, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 60,000। अब हम अगले फंड की तरफ चलते हैं। कंपनी अब अपने टर्नओवर का 3% पैसा, कंपनी अब अपने टर्नओवर का 3% पैसा निकालेगी हाउस फंड के लिए। यानी कि कोई भी आदमी ऑर्गेनाइजेशन 1 में अगर 2.5 लाख का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 में और 2.5 लाख का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 में कर लेता है, यानी कि 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन 1 में मैच कर लेता है, 2.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन 2 में मैच कर लेता है, तो कंपनी 3% पैसा अपना निकालेगी उन हाउस फंड वालों के लिए जितने भी लोगों ने इस प्लान को हिट किया होगा। और इसकी भी मैक्सिमम कैपिंग जो है वो 10 पॉइंट की है। इसकी भी जो मैक्सिमम कैपिंग दी गई है वो 10 पॉइंट की ही दी गई है। अगर कोई इंसान 25-25 लाख रुपए का बिजनेस मैच कर लेगा तो उसके 10 पॉइंट हो जाएंगे, 10 पॉइंट पे उसकी कैपिंग लग जाएगी। अगला फंड, कंपनी ने अपने टर्नओवर का 2% पैसा निकाल लिया है। कंपनी कहती है कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम अपने एक ऑर्गेनाइजेशन 1 में और 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन 2 में मैच कर लेता है पूरे मंथ के अंदर, तो कंपनी अपने टर्नओवर का 2% पैसा निकालेगी और एक पॉइंट बना देगा। और इसकी भी जो मैक्सिमम कैपिंग है वो 10 पॉइंट की है। जो वैल्यू निकलेगी वो आपके सामने आ जाए करेगी। अब कंपनी कहती है कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर 25 लाख ऑर्गेनाइजेशन 1 में और 25 लाख का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 में कर लेता है, कंपनी अपने टर्नओवर का 1% पैसा निकालेगी और जितने भी लोगों ने ये बिजनेस मैच किया होगा, और इसकी भी मैक्सिमम कैपिंग 10 पॉइंट की है। इसमें भी 10 पॉइंट से ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। अब आते हैं मेरे यारों, हम लोग कंपनी के उस पड़ाव पर जो लीडर बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो लीडर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कंपनी ने उनके बारे में भी सोचा है। वो आप चाहे ORG 1 और चाहे आपका बिजनेस ORG 2 में, अगर आपके ORG 1 में स्पॉन्सर हो जाए या ORG 2 में स्पॉन्सर हो जाए, कंपनी कहती है आपके ORG 1 में 4 स्पॉन्सर या ORG 2 में 4 स्पॉन्सर या 2 स्पॉन्सर ORG 1 में और 2 स्पॉन्सर आपके ORG 2 में, किसी भी ग्रुप में, चाहे ORG 1 में आपके डायरेक्ट 4 स्पॉन्सर हो जाए, चाहे आपके ORG 2 में डायरेक्ट 4 स्पॉन्सर हो जाए, या आपके 2 स्पॉन्सर हो गए हैं ORG 1 में और 2 स्पॉन्सर हो गए हैं आपके ORG 2 में, इनमें अगर कंपनी कहती है 2-2 लाख का बिजनेस वॉल्यूम पर मंथ मैच हो जाता है, अगर आप अपने 4 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2-2 लाख रुपए का बिजनेस मैच कर लेते हैं, तो कंपनी अपने टर्नओवर का 2% पैसा निकालेगी और इसका 1 पॉइंट बना देगी। अगर यही बिजनेस 4-4 लाख रुपए का आपका 2 ग्रुप में हो जाता है तो ये बिजनेस हो जाएगा 2% पॉइंट हो जाएंगे आपके पास 2। अगर यही बिजनेस आपका 6-6 लाख का हो जाता है तो आपके 5 पॉइंट हो जाएंगे 3, और इसकी कोई भी कैपिंग नहीं है। आप कितना भी बिजनेस इसके अंदर कर सकते हैं। कंपनी अपने टर्नओवर का 2% पैसा निकालेगी
और इनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगी पर पॉइंट के हिसाब से, जिसके पास जितने पॉइंट होंगे उतने वैल्यू उसको मिल जाएगी। ये है चार ग्रुप के अंदर मेरे यारो, जाने की आपने अपना डायरेक्ट स्पॉन्सर चाहे ऑर्गेनाइजेशन वन में हो और चाहे ORG टू में हो। अब कंपनी कहती है हमारे क्राउन एम्बेसडर, ये था हमारी क्राउन रॉयल्टी, यानी कि अब क्राउन रॉयल्टी जो है आपको चार लेग के ऊपर दो दो लाख रुपए का बिजनेस करना है, एक पॉइंट मिल जाएगा। अब कंपनी कहती है अगर आपके चार स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन वन में और चार स्पॉन्सर हो जाते हैं या किसी तो आपके टोटल आठ स्पॉन्सर हो जाएं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन वन में हो जाएं और चाहे ऑर्गेनाइजेशन टू में हो जाएं, अगर टोटल आठ स्पॉन्सर आपके हो जाते हैं और आठों के आठों स्पॉन्सर आपके दो दो लाख का बीवी करना शुरू कर देते हैं तो कंपनी आएगी और कंपनी टर्नओवर का 2% पैसा यहां भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कंपनी कहती अगर ये चार चार लाख हो जाता है तो यहाँ पे 2 पॉइंट बन जाएंगे, अगर 6-6 लाख हो जाता है तो यहाँ पे 3 पॉइंट बन जाएंगे, और जैसे जैसे ये बिजनेस आपका होता चला जाएगा उतने पॉइंट आपको मिलते चले जाएंगे और कंपनी अपने टर्नओवर का 2% पैसा उन डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्ट सेलर को बांटती रहेगी। अब आते हैं टोटल कैलकुलेशन पे, प्लान हो गया यहाँ पे खत्म, यानी कि इतना सिंपल प्लान जो आपका एक पेज के अंदर खत्म हो जाएगा, ओनली 5 मिनट का प्लान है अगर आप पेपर पे किसी को समझाओगे तो। मैं तो आपको ये फर्स्ट बार है प्लान समझा रहा हूं, इसलिए टाइम लगाकर आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, वरना ये प्लान ओनली 4 मिनट में प्लान जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा डुप्लीकेट प्लान होगा उतना ही ज्यादा आगे बिजनेस बढ़ पाएगा। अब आता है टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, पहली इनकम है 12% की मैचिंग, जिसके अंदर कंपनी ने अपना 48% फंड डाल दिया गया है। दूसरी इनकम है जो कंपनी कहती है 10,000 और 11,000, यानी कि 10,000 एक ऑर्गेनाइजेशन और 11,000 दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी टर्नओवर का 2% पैसा वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तीसरा है कंपनी टर्नओवर का 10% पैसा जो आपको सीपी के रूप में मिलता था अब चैंपियन फाइटर के रूप में मिलेगा, 10% पैसा। चौथी इनकम जो है कंपनी का 5%, जिसे हम ब्रॉन्ज इनकम बोलते थे, 1,20,000 के मैचिंग पे ये 4 इनकम आपको वीकली मिलेंगी, 48 और 2 50 और 10 60 और 5 65, 15% का यहां पर आपको परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि 80% पैसा। उसके बाद आपका 80 के बाद 5% आपका कार फंड, 3% आपका हाउस फंड, 2% का आपको कंपनी ने सुपर लग्जरी कार फंड दिया है, 1% का सुपर विला फंड दिया है, 4% की कंपनी ने आपको रॉयल्टी दी है। अगर मैं इसको टोटल देखूं 80 और 5 85 और 3 88, 88 और 2 90, 90 और 91, 91 और 4 95% का बिजनेस वॉल्यूम का तोहफा कंपनी ने हमें दे दिया है, जो पहले 90% का होता था लोड़ी के रूप में, न्यूयर के रूप में। 5% कंपनी ने अपने टर्नओवर का और पैसा बढ़ाकर आपको दे दिया है। एक बार जोरदार तालियां सरदार संतोष सिंह जी के लिए मार के दिखा दीजिए अपनी जगह। और दूसरी बात, कंपनी ने तोहफा क्या दे दिया हमारे को कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर भी अगर 2,500 रुपए डीपी का प्रोडक्ट परचेज करेगा उसको भी 300 रुपए का प्रोडक्ट फ्री में दिया जाएगा। और सबसे बड़ा तोहफा जो आपको दिया है वो आपकी सीनियर लीडरशिप ने दिया है। आपकी जितनी भी सीनियर लीडरशिप है, चाहे वो पवन अरोड़ा है, चाहे वो मांगू शर्मा जी हैं, चाहे वो सुखजीत सिंह उप्पल जी हैं, चाहे वो आशीष नारेश जी हैं, चाहे वो जोगेंद्र सिंह राठी जी हैं, चाहे वो RS गौतम जी हैं, चाहे वो अमरेंद्र जी हैं, चाहे वो मनिक डगे जी हैं, चाहे वो धनंजय शिंदे जी हैं, चाहे जितेंद्र प्रजापति जी हैं, चाहे वो सीताराम शर्मा जी हैं, चाहे वो मणिराम शर्मा जी हैं, चाहे वो विनीत प्रधान जी हैं, जितने भी हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं, चाहे वो धर्मेंद्र जैन हैं, चाहे वो हरिओम शरण जी हैं, चाहे वो मनोज कुशवाहा जी हैं, जितने भी बड़े लीडर क्राउन एम्बेसडर एंड कोर कमेटी के मेंबर थे, उन सब लोगों ने अपना दिल निकाल कर आपको दे दिया है।
यानी कि अपनी 5 लाख की कैपिंग को कम करके 2,11,000 रुपए ले आए हैं। ये आप लोगों की फंड वैल्यू कभी भी कम ना, इसलिए अपनी अपनी अपलाइन के लिए एक बार जोरदार तालियां मार दीजिए कि आपकी अपलाइन ने, आपके सीनियर अपलाइनों ने अपना फंड काट कर वो सारा पैसा पॉइंटों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों का घर चलना चाहिए। 2022 में हमारा नारा है HHI को हिंदुस्तान के हर घर में पहुंचाना है, इस तरह का हमने ठाना है। और मेरे यारो, 1 फरवरी को ये प्लान वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगा। धमाल मचा दो, कमाल मचा दो, पूरे हिंदुस्तान को बता दो HHI वाले हैं हम, हर उस प्रोडक्ट पर काम करेंगे जो हिंदुस्तान के हर घर में लगता है। ओपन चॉइस की ज्वाइनिंग, 750 प्रोडक्ट, 250 प्रोडक्टों की तैयारी चल रही है, 60,000 स्क्वेयर फुट का वेयर हाउस, भव्य वेयर हाउस पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इतनी बड़ी तैयारी के साथ हम लोग आ रहे हैं कि हमारा मुकाबला अब पूरे हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी के साथ नहीं है। हमारा मुकाबला ट्रेडिशनल मार्केट के साथ, हमारा मुकाबला पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर घर में हैप्पी हेल्थ इंडिया को पहुंचाना, डायरेक्ट सेलिंग को पहुंचाना, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के ऊपर काम करना। आगे भी गवर्नमेंट जैसे जैसे हमें बोलती रहेगी, जैसे जैसे गाइडलाइन के अंदर इन्वायरमेंट होता रहेगा, वैसे वैसे हम उसके ऊपर काम करेंगे। इसी सब बातों के साथ आप सबको पवन अरोड़ा की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी लोहड़ी। आप खुश रहें, मंगल रहें, दिन रात मेहनत करते रहें। हम सब लोगों ने आपके साथ मिलजुल के इस प्लान को डिजाइन किया है। सारी अप्लाइनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर दिखा दीजिए, जिन सब अप्लाइन की वजह से, सब अप्लाइन ने अपना प्योर छोड़कर सारा पैसा फंड के अंदर बांट दिया है और आप सब लोगों को नहाल कर दिया है। कंपनी के ऑनरेबल सीईओ सर ने अपना भी 5% का हिस्सा निकालकर आप लोगों को दे दिया है, यानी कि 90% बिजनेस वॉल्यूम की जगह 95% बिजनेस वॉल्यूम का प्लान बनाकर दिखा दिया है और पूरे हिंदुस्तान को एक करके दिखा दिया है। इतनी बड़ी लीडरशिप के साथ फरवरी महीने के अंदर हम दिसंबर के भी सारे के सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके जाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आपने कमाल कर दिया। और इस लोड़े के ऊपर जो बनांजा आपने दिया है और इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है, आपको और कंपनी के सीईओ सरदार संतोष सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज एक नई चीज हमारे सामने मिली है। मैं अक्सर हर प्लान के अंदर एक बात बोलता था कि हमें उस कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए जो लीगल भी हो, ऐसा ना हो कि कल को गवर्नमेंट का कोई रूल नया आए और कंपनी का शटर डाउन। देखिए, अभी गवर्नमेंट ने रूल दिया और हमारी कंपनी ने उससे और उत्साहित होकर एनर्जी के साथ एक नई मोटिवेशन हमारे को दे दी है और बहुत मजा आया और मैं खुद शॉक्ड हुआ, क्योंकि कल तक ये प्लान, जब तक मैं वहां पे था, 94% का था और आज जब सुनने को मिला तो 95% का हो गया। 10,000 की जो स्लैब दे दी गई है बहुत ही जबरदस्त है और वाकई दिल खुश हुआ है। हमें अपना 5 लाख की कैपिंग को छोड़कर 2 लाख की कैपिंग पे आने का कोई दुख नहीं है, उल्टा खुशी है कि अब मैक्सिमम कैपिंग अचीवर हमारी टीमों में से बनेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्पेशल कॉल के ऊपर आप सभी ने आज की इस जूम मीटिंग में अपनी अटेंडेंस दी है। आप लोगों ने आज नया प्लान सीखा है और सीखने के बाद मैं तो कहता हूं भाई, इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दीजिए। 1 फरवरी से, 1 फरवरी से ये प्लान पूरा सॉफ्टवेयर आपके पास रेडी हो जाएगा। आप लोग नई एक्टिवेशन इसी प्लान के तहत शुरू कर देंगे, आपकी बिलिंग इसी प्लान के तहत होनी शुरू हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है, ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 के माध्यम से हम लोग अपनी टीम को बहुत बड़े लेवल पे ले जाएंगे और सभी के पे आउट डे बाय डे बढ़ते शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, अगेन थैंक्स हैप्पी हेल्थ इंडिया की मैनेजमेंट का, सीईओ सर का, संतोष सर का, जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ इतना बेहतरीन प्लान डिजाइन करके हम लोगों को दिया है और हम लोगों का फील्ड की मेहनत को देखते हुए बेहतरीन प्लान देने के साथ साथ हम लोगों के अंदर एक नई एनर्जी फूंक दी है उन्होंने। अब बहुत ही स्पीड से काम होगा और पूरे इंडिया के अंदर आर जा पार की लड़ाई होगी और अगर एक ही नाम होगा और केवल HHI और केवल HHI नाम गूंजेगा पूरे इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, क्योंकि हैप्पी हेल्थ इंडिया ने वो प्लान ऐसा हमारे को दे दिया है जो मार्केट में किसी से 19 नहीं है, 21 ही है और 21 ही रहेगा दोस्तों। तो अब हम शाम की जो रूटीन मीटिंग है उसके लिए अपनी तैयारी रहे, वो मीटिंग रूटीन में होगी और जो स्पेशल मीटिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना समय दिया।
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मीटिंग में, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय टाटा।